आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? क्या सोचा आपने? बच जाओगे? मेरी ऑफिशियल क्लीयरेंस ना मिले, जो डाटा दे देना मैं करा के दूंगा। द फेम गेम राजी बायारत की स्पाई यूनिवर्स और जानवी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है जानवी कपूर की नई फिल्म उलझ। इसमें पांच बातें ऐसी हैं जो आपका सर चकरा देंगी। उलझ का ट्रेलर आउट हुआ। इस फिल्म को राजी बधाई हो तलवार मेकर्स ने बनाया है। अब इन्होंने बनाया है तो कहीं ना कहीं राजी और तलवार की छाप इसमें नजर आएगी ही, और राजी से आलिया और जानवी का रोल काफी मिलता जुलता है। उलझ के एक सीन में दिखाया जाता है कि फाइल पर स्टैंप लग रही है और लीक की बात हो रही है। सेम सीन हम आलिया के राजी में भी देख चुके हैं, जब सहमत को पाकिस्तान में फाइल्स में से इंफॉर्मेशन चुरानी होती है। अब दूसरी बात, रियल लाइफ में जानवी और बाकी स्टार किड्स नेपोटिज्म के लिए हमेशा फैंस के रडार पर रहते हैं, क्योंकि जानवी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है, तो ये भी इसके इम्पैक्ट से अपनी रियल लाइफ में नहीं बची है। ऑडियंस जानवी कपूर को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहते हैं। अब जिस मुद्दे को जानवी कपूर ने अपनी पर पुलिस में दिखाया है, ये उनकी लाइफ से रिलेटेड है। एक सीट में जहाँ जानवी को एक ऑफिसर कहता है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अटपटी भी है उनकी ये पोस्ट, नेपोटिज्म की झड़ी लगती है। तो ये सीन यकीनन जानवी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे रियल लाइफ में ऑडियंस उनकी मेहनत को नहीं पहचान पा रही है, उस चीज को फिल्म में दिखाया गया है। अब तीसरी बात जो सिर घुमा देगी वो है ISI, द मोस्ट कॉमन टॉपिक इन एवरी स्पाई थ्रिलर। पठान, टाइगर फ्रेंचाइजी, फाइटर, ऑपरेशन वैलेंटाइन, सभी फिल्मों में एक ही मुद्दा है, हाउ टू डील विद ISI। सेम विद उलझ। इसमें भी एक सीन में एक ऑफिसर बोलता है ISI में बात खुल रही थी, मतलब यहाँ भी पाकिस्तान को मुद्दा बनाया गया है जो बहुत आम हो गया है। वही एक डायलॉग है कि एवरीवन इज सस्पेक्ट, बस एवरीवन में सुहाना भाटिया भी इंक्लूडेड है बॉस। चौथा पॉइंट है कि टाइगर 3 से कहानी का एक किस्सा मानो उलझ का हिस्सा बना दिया गया हो, और वो है गद्दार वाला हिस्सा। अब टाइगर 3 में सलमान वीडियो बनाता है और बताता है कि वो गद्दार घोषित कर दिया गया है, पर अब उसका ये मिशन पर्सनल हो गया है। वही उलझ में दिखा सुहाना पर गद्दार होने का आरोप रखते हैं, जिसमे की एक सीट पे वो अपने दोस्त से कहती है तुमने मेरा सब छीन लिया है और ये बकरी अब पूरे शेर को खा जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि साड़ी से जानवी को कितना प्रेम है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्हें अपना बेमिसाल फैशन सेंस अपनी मम्मी से विरासत में मिला है। इसी के साथ एक और चीज जो उन्हें विरासत में मिली है वो है साड़ी के प्रति खास प्यार। श्रीदेवी भी अपने जमाने की साड़ी गॉडेस थी। मिस्टर इंडिया से लेकर चांदनी तक अपने साड़ी लुक से इन्होंने ना सिर्फ कई जनरेशन तक लड़कियों को साड़ी पहनने के लिए इंस्पायर किया है, बल्कि साड़ी को एक सेक्सी स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। उलझ 2 अगस्त को रिलीज हो रही है, तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 85888.